Hello students, good morning. How are you? I hope you are fine. So, आज का हमारा स्टैंडर्ड है 6 और हमारा सब्जेक्ट है गुजराती. तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 10 रंगे संगे काम करो वो यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं. इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट किया है. कमर जड़ कमर जड़ कमर वो हमने कंप्लीट कर दिया है. तो मैं आज उसकी पीडीएफ आपको ये वीडियो के साथ भेज रही हूँ, तो आपको ये वर्कबुक में फिलअप कर देना है. ओके, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर 174 रंगे संगे काम करो. यहाँ पे स्टूडेंट्स पहले एक पोएम है, तो हम वो पोएम यहाँ पे रीड करने वाले हैं. इसके बाद हम ये स्टोरी आगे कंटिन्यू करेंगे. चलो गीत विष्णु गीत डुगाइए. गाया नव नव नवला गीत के गीतड़े मौज करावी लोल. गावा हजी मजाना गीत के गीतड़ा खुटी पड़िया रे लोल. दादी गीत खजानो उगाड़ खजाने गीत घणा रे लोल. मारा दादाना देशना गीत सुनवा बाकी हजी रे लोल. मावड़ी एकली गणगणती ए गीतड़ा क्या मुकिया रे लोल. बापू सिम्मा ललकारता ए गीतड़ा ताजा करो रे लोल. यहाँ पे क्या है, कवि है, वो कवि को वो सब गीत अभी गाने हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, गाया नव नव नवला गीत के गीतड़े मौज करावी रे लोल. यहाँ पे कवि ने गीत यानी कि सॉन्ग, यहाँ पे कवि ने गीत गाए हैं और वो गीत गाने से उसको मजा भी आया है. गावा हजी मनना गीत के गीतड़ा खुटी पड़िया रे लोल, यानी कि यहाँ पे जो कवि है उसको अभी गीत गाने हैं और उसने ऑलरेडी इतने गीत गा लिए हैं कि अब उसके पास तो गीत खत्म हो गए हैं. दादी गीत खजानो उगाड़ खजाने गीत घणा रे लोल. वो क्या बोलते हैं, उसके दादी को बोलते हैं. दादी को क्या बोलते हैं, दादी आपके पास जो गीत का खजाना है वो भी निकालो. आपके पास तो गीत का खजाना है, वो खजाने में गीत की कोई कमी नहीं है. यानी कि वो दादी से हेल्प मांग रहे हैं. क्या बोलते हैं कि आप मुझे कुछ अब नए गीत सुनाओ. मारा दादा ना देशना गीत सुनवा बाकी हजी रे लोल, यानी कि वो जो कवि है वो क्या बोल रहे हैं, उसको दादी के पास से अभी उसके दादा उसके जमाने के मीन्स उसके टाइम पे जो सॉन्ग आते थे और उसके गांव में जो सॉन्ग फेमस थे वो सॉन्ग भी अभी उसको सीखने हैं. मावड़ी एकली गणगणती एक गीतड़ा क्या मुकिया रे लोल. फिर वो उसकी मम्मा के पास जाते हैं और उसको क्या बोलते हैं, उसकी मम्मा भी घर में कई बार ऐसा गीत गा रही है, तो उसकी मम्मा को क्या बोलते हैं, वो मावड़ी एकली गणगणती, यानी कि उसकी मम्मा है वो भी गीत गा रही है. तो वो गीत आपने अभी वो कहाँ पे रख दिए हैं, यानी कि वो गीत अभी कवि को फिर से याद करना है और उसको वो गीत गाने हैं. बापू सिम्मा ललकारता एक गीत ताजा करो रे लोल, यानी कि अब वो उसके फादर की बात कर रहे हैं. उसके फादर फार्म में जाते हैं तो वहाँ पे वो गीत गा रहे हैं, तो उसको वो गीत भी अभी फिर से याद करना है और उसके डैडी के गीत भी अभी उसको गाने हैं. समझ आया यहाँ पे पोएम में? ओके, चलो नेक्स्ट क्या है, चित्रमा देखाती वस्तुओं ना नाम लखो. छोकरा शू करता हशे ते धारी एक बीजा ने कहो. यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, हमें एक पिक्चर दी गई है, तो चलो वो पिक्चर पहले आप सबको देखनी है. पिक्चर में क्या है, टू बॉयज है, एक बॉय है वो वॉल को पेंट कर रहा है और दूसरा है वो क्या कर रहा है, ट्री के नीचे बैठा है. सन भी दिख रहा है, फिर वो जो एक नीचे बॉय बैठा है उसके बाजू में एक बेल्ट है, फिर क्या है, काइट्स है और वो सब यहाँ पे है. तो आपको ये पूरी पिक्चर को देखना है और फिर गेस करना है कि ये पिक्चर किसकी है और ये सब क्या कर रहे हैं. ओके, चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पेज नंबर 175 रजानो दिवस एटले मजानो दिवस. हम बोलते हैं ना
संडे के दिन हम कुछ काम नहीं करते। संडे को हम क्या करते हैं? ओनली मस्ती करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए रजा का डे है, यानी कि वो हमारा वीकली ऑफ हम बोल सकते हैं, वैसा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? रजानो दिवस, એટલે મજાનો દિવસ। આ દિવસે કોઈ ન ગમતું કામ સોંપે તો તમને કેવું થાય? આ વાર્તામાં કંઈક આવું જ થાય છે। તો પછી પણ કામનું કામ કેવી રીતે થાય તે સાંભળીએ, વાંચીએ અને જાણીએ, મજા આવશે। યહાં પે હમે એક સ્ટોરી દી ગઈ હે, ઓર વો સ્ટોરી મેં ક્યા હે? સન્ડે કે દિન ઉસકો કામ કરના પડતા હે। તો આપકો ભી અચ્છા નહીં લગતા ના સન્ડે કે દિન કામ કરના? યસ, તો યહાં પે ઉસકો સન્ડે કે દિન કામ કરના પડતા હે। તો વો સન્ડે કે દિન કેસે કામ કરતે હે વો યહાં પે સ્ટોરી દી ગઈ હે, બટ વો હમ હમારા નેક્સ્ટ વિડિયો મેં કન્ટિન્યુ કરેંગે। ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, તો આજ કે લિયે ઇતના હી।